जनपद कानपुर देहात के थाना मूसानगर के ग्राम सिहारी में हुई दिल दहला देने वाली घटना, दिन दहाड़े की गई बुजुर्ग की हत्या, जहां पर भगवान दास नाम के युवक ने अपने सगे चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक का नाम रामबाबू बताया जा रहा है। मृतक के पुत्र सुरेंद्र ने बताया कि हत्यारा अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर आया और अपने चाचा से बदतमीजी करने लगा। कासुनी में धक्का मुक्की हुई, जिसमें नशे में धुत हत्यारे ने बुजुर्ग को धक्का दे दिया और गला दबाकर मार डाला। मौके पर आए आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद मुजरिम को सिंगूर नदी के पास गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से सर्वेश यादव की खास रिपोर्ट। राजकुमार नाम। किस गांव के निवासी? बिहारी गांव। तो जो मर्डर हुआ, ये कौन है आपके? जी हमारे पिता हैं सर। पिता हैं। तो ये मर्डर किसने किया? भगवान दास। भगवान दास, वो कौन है आपके रिश्ते? वो रिश्ते में दादा का लड़का है। दादा का लड़का। क्या बात थी जो ऐसा? कुछ नहीं थी सर, हम वहाँ लाही टूट रहे थे और वो उधर गया, पहले दारू पीकर बकता रहा, बकते बकते वो पिताजी हमारे वहाँ से अपना यहाँ वहाँ जा रहे थे चरी पर, वो ये रखाने के लिए, तो वहाँ से आया आकर के यहाँ पर जो है लिपट गया उनके। उन पिताजी ने कहा हमसे दूर से बात करो, तो उसने जो गोता मार दिया गले में, वो पिताजी हमारे यहाँ पर जो है नाली में सर हो गया एक तरफ और सीना हो गया एक तरफ की बट में। तब हमको ये हमारे चाचा के लड़का ने देवी गुलाम ने बताया, वो इधर सर गुम्मा ये पत रहा था, बोले पिताजी को आपके गिरा दिया, देखो भगवान दास मार रहा है। मैं वहाँ से भग कर के आया, पिताजी को जब लोग पकड़ने लगा तब लगे सर वो उधर से भाग गया, और वहाँ से मैंने 108 नंबर किया फोन, वो यहाँ गाड़ी आ नहीं पाई, पिताजी खत्म हो गए जी। खैर ये सूचना पुलिस को किसने दी? पुलिस को सूचना सर हमने दी। नहीं, ये कैसे मरे हुए हैं? कैसे मारा है जी? मतलब मार दिया था वो सर, चोट लग गई उसकी ये बस की सीख में और सीने में आ गई, और ऊपर से हम देख नहीं पाए, वहाँ से आए उसने बताया, बोला वो मार रहा है, जब लगाए तो वो मार करके भाग गया। अभी मूसानगर क्षेत्र से ये सूचना आ रही है कि वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, जो सिहरा गांव का रहने वाला है, उसके ही अपने भतीजे ने जो कि पड़ोस में रहता है, उसने उसको एक जोर से धक्का दिया है जिससे कि वो नाली में गिर गया, और वहाँ नाली में गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई है। मौके पर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो अभियुक्त है उसको भी पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।